नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है चित्रगुप्त पूजा। तो ये जो चित्रगुप्त पूजा है वो कायस्थ लोग करते हैं और ये हमारा मेन पूजा है जिसमें हम चित्रगुप्त महाराज जी की पूजा करते हैं। आपको पता होगा कि चित्रगुप्त जी महाराज यमराज के यहाँ वहाँ पे सारा लेखा जोखा रखते हैं जो मानव के कर्मों का है। तो आज हम उन्हीं की पूजा करने वाले हैं। तो मैं और स्पर्श और सिद्धांत सब रेडी हो गए हैं पूजा करने के लिए। तो चलिए आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग पूजा करते हैं। चित्रगुप्त पूजा है जो कायस्थ लोग का मेन पूजा है। चलिए पहले हम पंचामृत तैयार कर लेते हैं। और ये अदरक है, अदरक में हम इसमें डाल रहे हैं। ये दूध है, गाय का दूध डालना है, कच्चा दूध वो डाल रहे हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दही, साथ ही इसमें ये शक्कर है, शक्कर डालेंगे। शक्कर के बाद हम इसमें डालेंगे शहद, तो शहद डाल देंगे हम इसमें। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गंगा जल, गंगा जल के अलावा थोड़ा सा घी डाल देंगे इसमें।
अब इन सबको हम अब इनको मिक्स कर लेंगे। तो हमारा पंचामृत बन के तैयार हो गया हुआ है। कर्ता स्नाना दिक्रियाम कृत्वा पूजनम कुर्यात् आसनम चित्रगुप्त समागच्छ धर्मराजान्ति कादि लेखनी कठिन हस्त चित्रगुप्त नमोस्तुते सर्वसिंहासनम चारु प्रत्यम प्रतिगृहताम। दुर्वा चंदन पुष्पम च तीर्थ तीर्थो तयाभि मंत्रम अर्धयम चैव माया अदितम चित्रगुप्त नमोस्तु ते। चंदनम श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधार्धयम सुमनोहरम विलेपनम गृहानेदम कृत्या कृत्य विचार पुष्पम ले लो, तुम लोग भी पुष्प चढ़ा देना। पुष्पम इदम पुष्पम गृहाणा त्वं सुगंधम सुमनोहरम ब्रह्माकाय मधुभूतम चित्रगुप्त नमोस्तु ते। चढ़ा लो धूपम धूपम गुगुल संयुक्तम गंधार्धयम घृतपूरितम आर्ध्य सर्वदेवाना चित्रगुप्त नमोस्तु ते। दीपं वर्ति समायुक्तं घृतेन परिपूरितं ज्योतिषामुत्तमं ध्वावान्त नाशनं प्रतिगृहताम्। जय चित्रगुप्त जी महाराज। वस्त्रम आरक्त युगलं वस्त्रं युगधर्मं युगधर्मं प्रवर्तम आचनादम गृहानेदम चित्रगुप्त नमोस्तु ते। नैवेद्यम नैवेद्यम फलवक् वानम गुड़ाधश्च समन्वितम इत्तिसम च वरम देही पत्रेह शुभांगितम। तांबूल नागबली दलैर्युक्तम पुंगी फल समन्वितम दक्षिणाभिश्च संयुक्तम चित्रगुप्त नमोस्तु ते।
इति पूजा विधि समाप्त। प्रसाद में चलिए अब कथा शुरू करते हैं। श्री भीष्म पितामह ने पुलस्त मुनि से पूछा कि हे महामुनि, संसार में कायस्थ नाम से विख्यात जो पुरुष है वे किस वंश में उत्पन्न हुए और किसी वर्ण में कहे जाते हैं। हे महामुनि, यह सुनने की मेरी इच्छा है। मेरे संदेह को दूर करने में आप समर्थ हैं, इसलिए आप कृपा कर इस पवित्र कथा को कहिए। इस प्रकार पूछने पर मुनि प्रसन्न होकर गंगा के पुत्र भीष्म पितामह से बोले, हे गांगे, मैं कायस्थोत्पत्ति का वर्णन आपसे करता हूँ, जिसको आपने आज तक नहीं सुना उसी को मैं कह रहा हूँ। जिसने चराचरात्मक यह जगत उत्पन्न कर पालन किया और करता है, वही फिर नाश करेगा। इस प्रकार अव्यक्त और शांत पुरुष लोक पितामह ब्रह्मा ने जिस तरह पूर्व में इस तरह संसार की कल्पना की, वही वर्णन करता हूँ। मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पैर से शूद्र, 2, 5, 4, 6 पैर वाले पशुओं से लेकर समस्त सर्पादी जीवों का एक ही समय में चंद्रमा सूर्यादि ग्रहों को और बहुत से जीवों को उत्पन्न कर, हे भारत, ब्रह्मा ने सूर्य के समान तेजस्वी ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर कहा कि हे सुव्रत, तुम यत्नपूर्वक इस जगत की रक्षा करो। सृष्टि तथा पालन करने के लिए ज्येष्ठ पुत्र को आज्ञा देकर ब्रह्मा ने जो किया उसे आप सुनिए। एकाग्र चित्र होकर ब्रह्मा ने 10,100 वर्ष की समाधि लगाई। अंत में विश्रांत चित्त हुए। उससे जो हुआ वो आपसे कहता हूँ। उस ब्रह्मा के शरीर से बड़े बड़े भुजाओं वाले श्यामवर्ण कमलवत नेत्रयुक्त शंख के तुल्य गर्दन चक्रवत मुख तेजस्वी अति बुद्धिमान हाथ में कलम और दवात लिए तेजस्वी अति सुंदर विचित्रांग स्त्री नेत्रों वाले एक पुरुष अव्यक्त जन्म ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए। हे भीष्म, समाधि को छोड़कर स्थित पुरुष को नीचे ऊपर देखकर ब्रह्मा ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, हमारे सामने स्थित आप कौन हैं? ब्रह्मा का ये वचन सुन वह पुरुष बोला, हे विदेह, मैं आप ही के शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ, इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे ताप, अब आप मेरा नामकरण करने योग्य हैं, सो करिए और मेरे योग्य कार्य भी कहिए। यह वाक्य सुन ब्रह्मा जी निज शरीरोत्पन्न पुरुष से हंसकर प्रसन्न मन से बोले कि मेरे शरीर से तुम उत्पन्न हुए हो, इसे तुम्हारे कायस्थ संज्ञा है और पृथ्वी पर चित्रगुप्त नाम विख्यात होगा। हे वत्स, धर्मराज कियमपुरी में धर्माधर्म विचार के लिए तुम्हारा निश्चित निवास होगा। हे पुत्र, अपने वर्ण में जो उचित धर्म है उसका विधि पूर्वक पालन करो और संतान उत्पन्न करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी भारयुक्त वर को देकर आप अंतर्धान हो गए। श्री पुलस्त ने कहा, हे कुरुवंश की वृद्धि करने वाले भीष्म, चित्रगुप्त से जो प्रजा उत्पन्न हुई है उसके नाम वर्णन करता हूँ, सुनो। गौड़, माथुर, भटनागर, सेनक, अष्टाना, श्रीवास्तव, अम्बष्ट, कर्ण, हे महामाते, और वे चित्रगुप्त से उत्पन्न अम्बष्ट आदि पुत्र समस्त शास्त्रों में निपुण हुए। तब चित्रगुप्त ने पुत्रों को पृथ्वी पर भेजा और धर्म धर्म के जानने वाले महामाते चित्रगुप्त ने धर्म साधन की शिक्षा दी और कहा कि देवताओं का पूजन, पितरों का श्राद्ध तथा तर्पण, ब्राह्मणों का पालन पोषण और सदैव अभ्यागतों की यत्नपूर्वक सेवा करनी चाहिए। हे पुत्रों, तीनों लोकों के हित के लिए यत्न करना और धर्म की कामना करके महिष मर्दिनी देवी की पूजन अवश्य करना। हे महामाया, जो माया प्रकृति रूपा और चंड मुंड का नाश करने वाली तथा समस्त सिद्धियों को देने वाली हैं, उनका पूजन करना। जिनके प्रभाव से देवता लोग भी सिद्धियों को पाकर स्वर्ग को गए और स्वर्ग के अधिकार को पाकर सदैव यज्ञ में भाग लेने वाले हुए, उस देवी के लिए तुम सब उस उत्तम मिष्टानादि संपन्न करना, जिससे वो चंडिका देवताओं की भांति तुम्हें भी सिद्धि देने वाली होवे, और वैष्णव धर्म का अवलंबन कर मेरे वाक्य का प्रतिपालन करना। पुत्रों को आज्ञा देकर चित्रगुप्त जी आप स्वर्ग को चले गए। स्वर्ग में जाकर चित्रगुप्त जी धर्मराज के अधिकार में स्थित हुए। हे भीष्म, इस प्रकार चित्रगुप्त की उत्पत्ति मैंने आपसे कही। अब मैं उन लोगों का विचित्र इतिहास और चित्रगुप्त का जैसा प्रभाव उत्पन्न हुआ वो भी कहता हूँ, सुनिए। श्री पुलस्त जी बोले, धर्माधर्म को जानता हुआ नित्य पापकर्म में रथ पृथ्वी पर सौदास नाम का राजा हुआ। उस पापी दुराचारी तथा धर्म कर्म से रहित प्राणी ने जिस प्रकार पुण्य के फल का भोग किया वह कथा सुनो। राजनीति नहीं जानते हुए भी राजा ने निज राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि दान धर्म हवन तर्पण अतिथियों का सत्कार जप नियम तथा तपस्या का साधन मेरे राज्य में कोई न करे। देवी आदि की भक्ति में तत्पर वहाँ के निवासी ब्राह्मण लोग उसके राज्य को छोड़ वहाँ से नाना देशों में चले गए।
जो रह गए यज्ञ हवन श्राद्ध तथा तर्पण कभी नहीं करते थे। हे गंगा के पुत्र, तब से उसके राज्य में कोई यज्ञ हवन आदि पुण्य कर्म कोई नहीं करने पाता था। हे विष्णु, उस समय उस देश के पुण्य बाहर हो गए। ब्राह्मण तथा अन्य वर्ण के लोग धर्म का नाश करने लगे। अब आप उस दुष्ट राजा का कर्म फल सुने। कार्तिक शुक्ल पक्ष की उत्तम तिथि द्वितीया को पवित्र होकर कायस्थ लोग चित्रगुप्त का पूजन करते थे। वे भक्तिभाव से परिपूर्ण होकर सुंदर धूप दीपादि कर रहे थे। दैव योग से राजा भी इधर उधर घूमता हुआ वहां आ पहुंचा और पूजन देखकर पूछने लगा कि किसका पूजन करते हैं। वे लोग बोले कि राजन, हम लोग चित्रगुप्त की यह शुभ पूजा करते हैं। ये सुनकर राजा ने कहा कि मैं भी चित्रगुप्त की पूजा करूंगा। यह कर राजा ने स्नान कर श्रद्धा भक्ति युक्त मन से चित्रगुप्त की पूजा की। उस भक्ति युक्त पूजन करने से उसी क्षण पाप रहित होकर राजा सैदास स्वर्ग लोक को चला गया। यह चित्रगुप्त का प्रभावशाली इतिहास आपसे मैंने कहा। हे नृप श्रेष्ठ, क्या सुनने की तुम्हारी इच्छा है? यह सुनकर भीष्म जी महर्षि पुलस्त्य जी से बोले, हे विपेंद्र, किस विधि से वहां उसने पूजन किया? हे प्रभु, उसने कौन सी विधि की थी जिसके प्रभाव से हे मुनि श्रेष्ठ राजा सौदास स्वर्ग को गया? श्री पुलस्त्य जी बोले, हे भीष्म, चित्रगुप्त के पूजन की विधि आपसे कहता हूँ। घृत से बने नैवेद्य, ऋतु फल, फूल, चंदन, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, रेशमी और विचित्र वस्त्र से पूजन कर भेरी शंख मृदंग डिम डिम अनेक बाजे बजाकर श्री चित्रगुप्त जी का भक्तियुक्त पूजन करे। हे विद्वन, नवीन कलश लाकर जल से परिपूर्ण करें, ऊपर चक्कर से भरा एक कसोरा रखें, यत्न पूर्वक पूजन कर ब्राह्मण को दान देवे। पूजन का मंत्रार्थ यह है, दावात कलम और हाथ में कलम काठी लेकर पृथ्वी पर घूमने वाले हे चित्रगुप्त जी, आपको नमस्कार है। हे चित्रगुप्त जी, आप कायस्थ जाति में उत्पन्न होकर लेखकों को अक्षर प्रदान करते हैं, आपको बार बार नमस्कार है। जिसको आपने लिखने की जीविका दी, आप उनका पालन करते हैं, इसलिए मुझे भी शांति दीजिए। हे राजेंद्र, हे कुरुवंश के बढ़ाने वाले भीष्म, इन मंत्रों के संकल्प पूर्वक चित्रगुप्त का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार सौदास राजा भक्तिभाव से पूजन कर निज राज्य का शासन करता हुआ कुछ ही समय में मृत्यु को प्राप्त हुआ। हे भारत, यमदूत राजा को उसी क्षण भयानक यमलोक मिले गए। चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा, यह दुराचारी पापकर्म में राज सौदास राजा है, जिसे अपनी प्रजा से पापकर्म करवाया। इस प्रकार धर्मराज से पूछे गए धर्माधर्म के जानने वाले महामति चित्रगुप्त हंसकर उस राजा के लिए धर्म विपाक युक्त शुभ वचन बोले, हे धर्मराज, यह राजा यद्यपि पापकर्म करने वाला पृथ्वी में प्रसिद्ध है और मैं आपकी प्रसन्नता से पृथ्वी में पूज्य हूँ। हे स्वामिन, आप ही ने मुझे यह वर दिया है, आपका सदैव कल्याण हो, आपको नमस्कार है। हे देव, आप भली भांति जानते हैं और मेरी भी मति है कि यह राजा पापी है, तब भी इस राजा ने भक्तिभाव से मेरी पूजा की है, इससे मैं इस पर प्रसन्न हूँ। हे इष्ट देव, इस कारण यह राजा बैकुंठ लोक को जाए। चित्रगुप्त का यह वचन सुनकर यमराज ने राजा सौदास को बैकुंठ जाने की आज्ञा दे दी और सौदास बैकुंठ को चला गया। श्री पुलस्त्य जी ने कहा कि हे भीष्म, जो कोई दूसरा पुरुष या कायस्थ चित्रगुप्त की पूजा करेंगे, वे भी पाप से छूट कर परम गति को प्राप्त करेंगे। हे गंगे, तुम भी सर्व विधि से चित्रगुप्त जी की पूजा करो, जिस पूजा के करने से राजेंद्र तुम दुर्लभ लोक को प्राप्त करोगे। पुलस्त्य के वचन सुनकर भीष्म जी ने भक्तियुक्त मन से चित्रगुप्त की पूजा की। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को निज भवहीन यमुना के घर यमराज ने भोजन किया था, इस कारण लोक में इसका यमद्वितीया नाम हुआ और यमुना ने यमराज को आयुष्य बढ़ाने वाला वर दिया। इस कारण इस विधि में बहिन के हाथ का भोजन करने से धन, यश, आयुष्य आदि बढ़ते हैं। इस तिथि में अपने अपने शक्ति के अनुसार बहिन को दक्षिणा दें और कायस्थ लोग बहिन के घर में चित्रगुप्त का पूजन करें। चित्र विचित्र वर्ण के पुष्प, रक्त चंदन, काले धतूरे के पुष्प और समी के पत्ते से पूजन करें। गुड़ मिश्रित लड्डू का नैवेद्य भोग लगावें। पूजन मंत्रार्थ यह है कि भोग और भोग किया हुआ अथवा न किया जो प्रलय है उस समय सुख देने वाले हे चित्रगुप्त, आपको नमस्कार है। समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने वाले हे चित्रगुप्त, हे महाबाहो, मेरी आयु को बढ़ावे। इस प्रकार पूजन करने से प्रसन्न होकर चित्रगुप्त ने भीष्म को वर दिया कि हे महाबाहो, मेरे प्रसाद से तुम्हारी मृत्यु न होगी। जिस समय तुम मृत्यु का स्मरण करोगे, उसी समय तुम्हारी मृत्यु होगी। यह वर देकर चित्रगुप्त स्वर्ग को चले गए। जो बुद्धिमान पुरुष इस विधि से चित्रगुप्त की पूजा करेंगे, उनका फल सुनो।
वे इस लोक में अनेक प्रकार के बड़े बड़े सुख भोग कर अविनाशी विष्णु लोक को जाएंगे। कायस्थों की उत्पत्ति का कारण दिव्य चित्रगुप्त जी की कथा को जो श्रेष्ठ मनुष्य भक्ति युक्त मन लगाकर सुनेंगे वे पुरुष समस्त व्याधियों से छूट कर दीर्घायु होंगे और मरने पर जहाँ तपस्वी लोग जाते हैं ऐसे विष्णु लोक को जाएंगे, इसमें कुछ संदेह नहीं है। श्री चित्रगुप्त कथा समाप्त। जय हो चित्रगुप्त जी भगवान। ओम श्री चित्रगुप्त नमः। जला दे जी। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री चित्रगुप्ताय नमः। ओम श्री नरसिंहाय नमः। ओम श्री हनुमंताय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। आमदनी कितना? आमदनी 10 लाख। सुमन आज कितना तारीख हो गया? 6/11/2023। अब लिखना है ना? लिखो। तारीख लिखो नीचे। 6/11/2021 हो गया। चलो भगवान पे चढ़ा दो।
मुंह बना दो गोल। चलो साइन कर दो। ओम जय चित्रगुप्त हरे, स्वामी जय चित्रगुप्त हरे। भक्त जनों के इच्छित फल को पूर्ण करे। ओम जय चित्रगुप्त हरे, विघ्न विनाशक मंगल करता, संतन सुखदाई, भक्तों के प्रतिपालक, त्रिभुवन यश छाई। ओम जय चित्रगुप्त हरे, रूप चतुर्भुज श्यामल, मूरत पीताम्बर राजे, मातु इरावती दक्षिणा वाम अंग साजे। ओम जय चित्रगुप्त हरे, कष्ट निवारक, दुष्ट सहारक, प्रभु अंतर्यामी, सृष्टि संहारन, जन दुख हारन, प्रकट भये स्वामी। ओम जय चित्रगुप्त हरे, कमल दवात शंख पत्रिका, कर में अति सोहे, वैजंती वन माला, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय चित्रगुप्त हरे, विश्व न्याय का कार्य संभाला, ब्रह्मा हर साए, कोटि कोटि देवता तुम्हारे चरण में धाए। ओम जय चित्रगुप्त हरे, नृप सुदास अरु भीष्म पितामह, याद तुम्हें कीना, बेग विलंब न कीन हो, इच्छित फल दीना। ओम जय चित्रगुप्त हरे, दारा सुत भगिनी, सब अपने स्वास्थ्य के करता, जाऊं कहां शरण में, किसकी तुम तज में भरता। ओम जय चित्रगुप्त हरे, बंधु पिता तुम स्वामी, शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय चित्रगुप्त हरे, जो जन चित्रगुप्त जी की आरती प्रेम सहित गावे, 84 से निश्चित छूटे, इच्छित मन फल पावे। ओम जय चित्रगुप्त हरे, न्यायधीश वैकुंठ निवासी, पाप पुण्य लिखते, नानक शरण तिहारे, आसन दुज करते। ओम जय चित्रगुप्त हरे, स्वामी जय चित्रगुप्त हरे। ओम जय चित्रगुप्त हरे, स्वामी जय चित्रगुप्त हरे। भक्त जनों के इच्छित फल को पूर्ण करे। ओम जय चित्रगुप्त हरे।
प्रणाम कर लो। आगे चलिए। तो दोस्तों हमारा पूजा जो है वो संपन्न हो गया है, समाप्त हो गया है। हमारी ओर से और हमारे परिवार की ओर से आपको और आपके परिवार को हैप्पी चित्रगुप्त पूजा। तो ये कैसा लगा आपको ये वाला ब्लॉग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, और जितना हो सके शेयर कीजिए। ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए आप। हम लोगों को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय 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 एवरीवन, टेक केयर।